हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब? क्या आपने भी अपना रेज्यूमे ऑनलाइन कई सारी वेबसाइटों पे अपलोड किया है, लेकिन आपको एक भी इंटरव्यू से रिलेटेड कॉल नहीं आ रही है? और अगर कॉल आ भी रही हैं तो ऐसी फ्रॉड कॉल्स आ रही हैं जो आपसे कुछ ना कुछ पैसे मांग रही हैं। तो इन्हीं सारी प्रॉब्लम को देखते हुए मैं ये गारंटी लेता हूँ कि अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो विद इन 7 डेज़ आपको जेन्युइन कॉल रिसीव होंगी आपके इंटरव्यू से रिलेटेड। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ऐसी 5 टिप्स जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको जेन्युइन इंटरव्यू कॉल्स ज़रूर आएंगी। और लास्ट में मैं आपको एक बोनस टिप्स भी दूंगा जो कि मेरा खुद का आजमाया हुआ है और ये आप लोगों के बहुत काम आएगी। तो वीडियो लास्ट तक देखें। तो टिप नंबर 1, वो ऐसे कौन से प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको अपना रिज्यूमे अपलोड करना चाहिए और जॉब सर्च करनी चाहिए? तो अगर मैं बात करूं तो Naukri.com और LinkedIn, ये ही 2 ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जहां पे आपको अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जॉब सर्च करने में देना चाहिए और इन पे बहुत अच्छे आउटपुट मिलते हैं। आज की इस वीडियो में मैं फोकस कर रहा हूं Naukri.com के ऊपर। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं LinkedIn के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं, कमेंट करके बताएं, मैं LinkedIn पे भी वीडियो ला के बताऊंगा। तो चलते हैं Naukri.com की तरफ। अब Naukri.com ही क्यों ज़रूरी है तो मैं आपको बता दूं कि अगर मार्केट इंडिया में शेयर की बात करें कि इस इंडस्ट्री में किसने कितना होल्डर्स ले रखा है, तो Naukri.com अभी करंट सिनेरियो के हिसाब से भी 63-70% होल्ड है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक तरफ 70% जो नौकरियां मिलती हैं वो Naukri.com के थ्रू ही मिलते हैं और जो रिक्रूटर्स हैं वो जो सब्सक्रिप्शन लेते हैं HR बड़ी बड़ी कंपनियों में वो Naukri.com का ही लेते हैं। तो Naukri.com इसीलिए बेहतर माना जाता है। अब बात करें, अगर आप देख सकते हैं एक रेशियो के हिसाब से, मैंने एक वेबसाइट से उठाया था, तो 12,000 से 15,000 रिज्यूमे इस पर डेली के डेली अपलोड होते हैं जिनमें से केवल 5 से 7% की जॉब लग पाती है। तो वही मैं तरीके बताऊंगा कि आप भी उन 5 से 7% में आ सकें जिन जो लोग आसानी से जॉब इस पे पा जाते हैं। टिप नंबर 2, आप अपने रिज्यूमे बनाएं तो बहुत ही ज़्यादा टाइम देके बनाएं। टाइम देने का मतलब है कि उसमें अच्छे से आपका करियर ऑब्जेक्टिव, अच्छे से आपकी एजुकेशन डिटेल व्यवस्थित तरीके से लिखी होनी चाहिए। और ये रिज्यूम आप फॉर्मेट देख सकते हैं, ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वर्ड में आप लोग उसको डाउनलोड करके इस पर भी आप बना सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल होता ये है कि जब आपका प्रोफाइल कहीं भी किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सर्च में आता है तो HR क्या करता है कि प्रोफाइल वो ना देखने की बजाय आपका अपडेटेड रिज्यूम ज़्यादा देखता है। तो आपका अपडेटेड रिज्यूम वो डाउनलोड करता है और उसको स्टडी करता है। तो अगर आपका रिज्यूम ही अट्रैक्टिव नहीं होगा और आपके अंदर कितना भी नॉलेज हो तो उसको नहीं पता। तो सबसे पहली सीढ़ी ये है कि आपका जो पहला हथियार है वो है आपका रिज्यूमे। तो रिज्यूमे अगर आपका अच्छा है तो आपको डेफिनेटली कॉल आएगी। टिप नंबर 3, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा कि आपका जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पे भी आप बना रहे हो, जैसे मैंने Naukri.com का आपको बताया, तो वहाँ पर आएँ और वहाँ पे अपना प्रोफाइल 100% कंप्लीट करें। और प्रोफाइल कंप्लीट करने के दौरान कुछ ऐसे की एरियाज होते हैं जहाँ पर आपको फोकस करना है। तो आइए चलते हैं 1 by 1। सबसे पहले, अगर आपने इस पर रजिस्टर्ड ना हो तो आप रजिस्टर्ड फॉर फ्री करके अपने आप को इस पर रजिस्टर्ड कर लीजिए। जो डिटेल मांग रहा है वो डिटेल भर करके आप एक बार इसको रजिस्टर्ड कर लीजिए। रजिस्टर्ड करने के बाद में आपके पास एक ID और पासवर्ड आएगा और उस ID पासवर्ड से आप इसको लॉगिन कर लीजिए। मैं ऑलरेडी, मेरा इस पर प्रोफाइल है तो मैं अपने दिखा देता हूँ आपको। तो जैसा कि मेरा प्रोफाइल है, आप ऐसे ही लॉगिन कर लोगे और उस लॉगिन करने के बाद आपको सबसे पहले आना है उस माई नौकरी पे और एडिट प्रोफाइल करना है। जब आप एडिट प्रोफाइल करोगे तो सबसे पहले आपको जो करना है, आपका रिज्यूमे वो अपलोड कर देना है। तो रिज्यूमे आपने अपना अपलोड कर दिया, उसके बाद जो उसकी रिज्यूम की हेडलाइन होती है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है। ये बहुत ही तरीके से लिखें और इस हेडलाइन में आपका प्रोफाइल और आपकी एजुकेशन कवर हो जाए तो वो ज़्यादा ही अच्छा होता है। मैंने तो बहुत शॉर्ट में लिख रखा है लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी तो आप थोड़ा सा इसको और डिटेल में लिखें।
की स्किल में क्या होता है कि कई बार यहाँ पे की स्किल की बात आती है और यहाँ पे हम फालतू की चीज़ें डाल देते हैं। की स्किल में आप आपका जो क्राइटेरिया है आप वो डालें, जो सॉफ्टवेयर्स आपको आते हैं जिनमें आप एक्सपर्टीज हैं वो डालें की स्किल में, और उसके बाद फिर अपनी एम्प्लॉयमेंट डिटेल, आपने कहाँ कहाँ काम किया, अगर नहीं काम किया है तो आप फ्रेशर भी रहने दे सकते हैं। उसके बाद अपना एजुकेशन ज़रूर फिलअप करें जैसा जैसे उसमें डिटेल मांग रहा है, और फिर आपकी आईटी स्किल्स, कौन सा सॉफ्टवेयर आता है, कौन सा वर्जन आता है और एक्सपीरियंस कितना है, ये सारा डालें। अगर आपने कोई प्रोजेक्ट कर रखा है वो भी ऐड करें, और प्रोफाइल समरी यानी अपने बारे में कुछ लिखें। इसी तरह अगर आपका ऑनलाइन कुछ लिंक है और बहुत सारी चीज़ें यानी जो चीज़ें ये आपसे मांग रहा है वो अपलोड कर दें, और करने के बाद मेक श्योर कर लें कि आपका जो ये स्टेटस है वो 100% होना चाहिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो प्रोफाइल स्ट्रेंथ दिखा रहा है ये 100% दिखा रहा है, तो ये मेक श्योर कर ले 100% दिखाए। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि अगर आपने अपनी naukri.com की प्रोफाइल को बहुत ही अच्छे से कर रखा है, बहुत ही अच्छे से डिटेल कर रखी, भर रखा है, तो उससे आपको फेक जॉब ऑफर आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि जो फेक जॉब ऑफर्स वाले होते हैं वो उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं जिनका रिज्यूमे 100% अपडेटेड ना हो, और जिनका रिज्यूमे मतलब देख के लगता है कि किसी नौसिखिए ने भर दिया है, तो उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं। तो ऐसी गलती आप ना करें, भले ही ये टाइम लें, ऐसा नहीं कि आपने naukri.com पे बस आधे घंटे के अंदर आपको कर देना, आप पूरा एक दिन लें, अच्छे से डिटेल भरें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है, तो इसकी बहुत अहमियत होती है। और दूसरी बात, जब आपका ये 100% अपडेट रहता है तो जो सर्च होता है, इसका एल्गोरिदम होता है, वो naukri.com का एल्गोरिदम आपकी बहुत हेल्प करता है आपको टॉप में रखने के लिए। यानी कि अगर कोई सर्च करेगा आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड तो वो आपको टॉप में दिखाएगा अगर आपका 100% है। अगर ये 100% नहीं होता है तो वो एज एन उसको अभी इनकम्प्लीट ही मान के चलता है, और आपका फिर जो प्रोफाइल है वो सर्च में नहीं आता है। तो ये फ़ायदे होते हैं, आप अगर किसी भी प्लेटफॉर्म पे बनाएं अपना प्रोफाइल तो ज़रूर ये मेक श्योर कर लें कि अच्छे तरीके से उसको सारी डिटेल भर के बनाएं, जल्दबाजी में ना बनाएं, और 100% उसको कंप्लीट करें। टिप नंबर 4, आप अपने प्रोफाइल को दिन में 2 बार अपडेट ज़रूर करें, और वो जो टाइमिंग होनी चाहिए वो होनी चाहिए 9 से 10 के बीच की, मॉर्निंग में, और आफ्टरनून में 3 से 4 बजे की। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप अपना प्रोफाइल दिन में 2 बार अपडेट करते हैं तो आपका जो रिज्यूम है वो सर्च में टॉप पे दिखाता है। और अपडेट इन द सेंस, कई लोगों का कहना होगा कि हमने जब सारी डिटेल भर ही दी है तो इसमें अपडेट क्या करें, तो डिटेल इन द सेंस कि अगर आप किसी भी डिटेल को क्लिक करो और क्लिक करने के बाद में इसमें कुछ डिटेल ऐड करके हटा के दोबारा सेव कर दो तो ये भी एक अपडेट काउंट होता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपना रिज्यूम ही री अपलोड कर दिया करो, क्योंकि रिज्यूम अगर आप री अपलोड करते हो तो ये naukri.com बहुत बिग चेंज मानता है, क्योंकि आपने कुछ रिज्यूम में चेंज किया है। तो ये ज़रूर करें, आप अपना जो प्रोफाइल है उसको दिन में 2 बार ज़रूर अपडेट करें। टिप नंबर 5, आपको अपनी प्रोफाइल पे डेली 1 घंटे देने हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि एक तो naukri.com के एल्गोरिदम में ये मैसेज आता है कि आप डेली के 1 घंटे देते हैं, यानी एक्टिव यूज़र हैं, आपको जॉब की ज़रूरत है इसीलिए आप डेली 1 घंटे देते हैं। अब 1 घंटे इसमें कैसे आप टाइम पास करोगे, कहने का मतलब 1 घंटे आप कैसे ऐसे बिताओगे। सबसे पहले आप अपने जॉब या स्किल से रिलेटेड आप यहाँ पे जॉब सर्च कर सकते हैं, और जॉब सर्च करने के बाद आप देख सकते हैं आप किस पे अप्लाई करना है, किस पे नहीं अप्लाई करना है। किसी में जॉब में HR का नंबर दिया होता है, आप डायरेक्ट उनको कॉल कर सकते हैं। किसी में उनकी मेल ID दी होती है, आप डायरेक्ट उनको मेल कर सकते हैं। और किसी में क्या होता है कि आपको देखना होता है कि ये फ्रॉड तो नहीं है। फ्रॉड में ये होता है कि प्रॉपर डिटेल नहीं दी होती है और सैलरी पैकेज बहुत हाई दिया होता है, और अगर जैसे कंपनी का नाम है ABC कोई भी ले लो, लेकिन उनका जो जीमेल अकाउंट होता है वो कंपनी के उससे डोमेन से रिलेटेड नहीं होता। जैसे कि एक कंपनी ले लेते हैं माथुर करके, तो उनका जो जीमेल एड्रेस होगा वो mathur@hr.com होगा, और अगर वो उनका नहीं है तो बस वो कोई भी रैंडम नाम और @gmail.com होता है। तो ये आप देख के ही अप्लाई करें। दूसरा, जब जो भी आपकी प्रोफाइल अपलोडेड है आप अपने प्रोफाइल पे देखें उसका क्या रिस्पांस आ रहा है। जैसे कि मैं बात करूँ प्रोफाइल परफॉर्मेंस देखा जाए तो
898 लोगों ने मेरे को सर्च किया है और जिसमें से 67 लोगों ने उस पर एक्शन लिया है और जो मेरा एक्टिव लेवल है वो भी मीडियम है। और यहाँ से आप उसको देखो एनालाइज कर सकते हो, कीवर्ड वगैरह क्या उस जो मेरे जिनकी वजह से मैं सर्च हो रहा हूँ वो देख सकते हो, और साथ ही साथ वो देख सकते हो कि जिन लोगों ने आपको जिन रिक्रूटर ने आपके प्रोफाइल पर एक्शन दिया है। तो 67 पर मैं अगर क्लिक करता हूँ तो वहाँ भी डिटेल आ जाती है कि किन किन ने किया है। जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हो कॉन्टैक्ट बाई मेल, Naukri.com प्रोफाइल उन्होंने देखी है, इन्होंने बुक मार्क कर लिया है, इन्होंने भी बुक मार्क कर लिया है, ठीक है, और ये कॉन्टैक्ट बाई मेल। तो ऐसे आप देख सकते हो कि आपको कहाँ से कॉल आने वाला है। बोनस पॉइंट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी स्पेसिफिक कंपनी के लिए पैशनेट हो कि हाँ मेरे को उस टाइप की ही कंपनी में जॉब करनी है, मतलब एक बहुत ही लंबा टिपिकल प्रोसेस होता हो जाता है कि आप अप्लाई करो, फिर मेल करो, फिर वहाँ से जवाब देते हैं, फिर आप जॉब देते हो, तो सीधा सा आप यहाँ पे उस कंपनी को सर्च करो, वो कंपनी आ गई, फिर उस कंपनी में देखो कौन कौन काम करता है, फिर उनको आप मैसेज कर सकते हो और उनसे डायरेक्टली बात करके और तुरंत फीडबैक ले सकते हो कि आप आगे प्रोसेस के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव होता है। इससे क्या होता है कि चीज़ें ना तो एक दिन के अंदर या दो दिन के अंदर ना क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं कि आप जो जिस कंपनी में घुसना चाह रहे हो वहाँ पे आपके क्या चांसेस हैं भी या नहीं, तो इससे आपका टाइम काफ़ी बचता है। तो ये आप ज़रूर इस्तेमाल करें अगर आप किसी एक स्पेसिफिक कंपनी को या एक किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हों। तो यही कुछ टिप्स थी, आप लोग कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको वीडियो। और बहुत जल्द मैं आपको लिंक्डइन के बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा कि लिंक्डइन पर कैसे आप जेन्युइन जॉब ऑफर सर्च कर सकते हैं, कैसे आप जॉब ढूंढ सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। बोनस पॉइंट में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी स्पेसिफिक कंपनी के लिए पैशनेट हो कि हाँ मेरे को उस टाइप की ही कंपनी में जॉब करनी है, तो अगर आपको कुछ जैसे आपने सर्च किया और आपको ये दिखा कि आपको इस कंपनी में जॉब करनी है, तो उसमें क्या कर सकते हैं कि यहाँ से आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं और डायरेक्टली आप मेल भी कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इस कंपनी को LinkedIn पे शेयर कर सकते हैं और LinkedIn पे शेयर करने के बाद आप उनके HR से चैट कर सकते हैं, थोड़ा सा उस बारे में समझ सकते हैं। कहने का मतलब है कि आप डायरेक्टली उनके टच में आ सकते हैं कि आई एम लुकिंग फॉर जॉब चेंज, कैन यू हेल्प मी। तो इस तरह से क्या होता है कि HR को ये लगता है कि जो भी ये कैंडिडेट है वो थोड़ा सा जॉब को लेकर के सीरियस है और आप तुरंत HR के कनेक्ट में आ जाते हो। तो ये मतलब एक बहुत ही लंबा टिपिकल प्रोसेस होता हो जाता है कि आप अप्लाई करो, फिर मेल करो, फिर वहाँ से जवाब देते हैं, फिर आप जवाब देते हो, तो सीधा सा आप यहाँ पे उस कंपनी को सर्च करो, वो कंपनी आ गई, फिर उस कंपनी में देखो कौन कौन काम करता है, फिर उनको आप मैसेज कर सकते हो और उनसे डायरेक्टली बात करके और तुरंत फीडबैक ले सकते हो कि आप आगे प्रोसेस के लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव होता है। इसमें क्या होता है कि चीज़ें ना तो एक दिन के अंदर या दो दिन के अंदर ना क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं कि आप जो जिस कंपनी में घुसना चाह रहे हो वहाँ पे आपके क्या चांसेस हैं भी या नहीं, तो इससे आपका टाइम काफ़ी बचता है। तो ये आप ज़रूर इस्तेमाल करें अगर आप किसी एक स्पेसिफिक कंपनी को या एक किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री को टारगेट कर रहे हो। तो यही कुछ टिप्स थी, आप लोग कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आपको वीडियो। और बहुत जल्द मैं आपको LinkedIn के बारे में पूरी डिटेल बताऊंगा कि LinkedIn पे कैसे आप जेन्युइन जॉब ऑफर सर्च कर सकते हैं, कैसे आप जॉब ढूंढ सकते हैं। तो मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों जिन लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे इस चैनल का मकसद ही है कि जो लोग प्राइवेट सेक्टर में एंट्री करना चाहते हैं उनको कंप्लीट गाइड देना, चाहे वो कोर्स हो या इंटरव्यू हो या जॉब से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे इसमें सारी चीज़ें ऐड ऑन करने की। तो बस आप लोगों को सपोर्ट चाहिए।